अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जी आज शाम इसीलिए होगी, मेरे व्लॉग को अब अभी 3:30 हो गए तो अभी मेरा व्लॉग शुरू नहीं हुआ, अभी मैं शुरू करने वाली हूँ। तो बस प्लीज़ आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी, आज मैं ना सब्ज़ी मंडी गई थी तो सब्ज़ी लेके आई हूँ। सबसे पहले तो ये भिंडी जो है ना, ये भिंडी लेडी फिंगर जो है ना वो मैं लेके आई हूँ। पता नहीं, मैं अपनी उंगली के साथ लगा के देखती हूँ, मुझे तो कोई समझ नहीं आती कि लेडी फिंगर इसको वैसे किसी किसी औरतों की बड़ी खूबसूरत उंगलियाँ होती हैं, इसीलिए इनको लेडी फिंगर कहा जाता होगा भाई, अब मुझे नहीं पता है। तो अभी ये प्याज अब हो गए थोड़े सस्ते, तो लेकिन मैं 1 किलो ही लेके आई थी। और थोड़ी सी यूसुफ और मैंने सब्जी खानी होती, इसीलिए बस थोड़ी थोड़ी सब्जी लेके आई। और फिर आ गया जी करेला भी आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मैं बेडरूम की सफाई करने वाली हूँ, क्योंकि सुबह की सफाई को नहीं पड़ी हुई थी। और अभी यूसुफ जो है ना 1.5 घंटे के बाद आने वाले। और ये मैं लेके आई हूँ करेला। किस किस को पसंद है? सब ये तो नहीं कहते कि कड़वा है, मुझे पसंद है बस। मुझे ना अच्छा, एक स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ बड़ी मज़े वाली। ये तोराई, इसको यहाँ पे तोराई बोलते हैं, हम काली तोरी बोलते हैं। तो आप लोग क्या अपनी ज़बान में बोलते हो मुझे बता देना, ठीक है? ये वाली सब्ज़ी। और उसके बाद आ गया जी लहसुन। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, हम अपने जो है ना सालन में ज़रूरी डालते हैं, चाहे इसकी स्मेल बुरी भी हो तब भी हम डालते हैं, हमें आदत है, ठीक है? क्योंकि नानी दादी के वक्त से ये चीज़ें चल रही, तो हमने भी तो उन्हीं को फॉलो करना है, आगे चलना है, लेके चलना है। अब हमें जो हमारे बच्चे हमें देख के अब वो सारी चीज़ें करेंगे कि मेरी मम्मा ये करती थी, तो फिर आगे आगे वो बस चलता रहेगा। अच्छा आप लोगों को मैं बताती हूँ एक बड़ी अच्छी स्टोरी। कल मैं गई, लहसुन ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा चल मेरे पास ना कुछ मैंने ऐसी चीज़ ली खाने के लिए, कुछ लिया था तो 40 रुपए मेरे हाथ में थे, तो मैंने कहा चले 40 का ना मैं लहसुन ले लेती, थोड़ा सा ही मिल जाएगा तो मैं सालन बना लूँगी। लेकिन उन्होंने तो सबसे छोटा जो था लड़के को कहता, जो सबसे छोटा है ना ये तो बहुत बड़ा है ना, ये बड़ा है, इस सबसे छोटू जो अंदर से निकला हुआ है ना इतना 40 रुपये। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, 40 का आप इतना सा दे रहे हो? तो कहने के बाजी किस ज़माने में रहती हूँ। मैंने कहा भाई मेरे 40 रुपये वापस करो। और मैं 40 रुपये वापस लेके आ गई और कल मैंने सालन नहीं बनाया। देखिए मैं कैसी हूँ कि मैं सालन ही नहीं बनाया। पहले का एक दिन का पड़ा हुआ था, मैंने कहा आज यही चल जाएगा। तो आज फिर मैं सब्जियाँ बस 3 ही लेके आई हूँ, क्योंकि 3 दिन चल जाएंगी ना, ताज़ा सब्जी होगी फिर जाके ले आऊँगी। बस ये 3 सब्जियाँ आलू और जो थे प्याज वो लेके आई, दूसरी सारी चीज़ें पड़ी थी। अच्छा अभी करती हूँ, बहुत बातें होगी और जल्दी जल्दी ना मैं इन चीज़ों को समेट के रख के आऊँ। और उधर उसके बाद जी मैं करती हूँ यहाँ की सफाई, झाड़ू भी ढाक ले आती हूँ, वो अभी मैं जाके रख के आती हूँ इसको। हाँ जी आ गया ये झाड़ू और मैं सफाई करती हूँ, उसके बाद सारी सफाई यहाँ की। आप चले आज जो है ना ये मैं कर ही लेती हूँ, ये इतना ज्यादा नीचे से ना निकलेगा, आज तो काफी ज्यादा निकल, मट्टी काफी ज्यादा निकल रही है यहाँ से ना। ये फाइल्स वगैरह जो है बाहर ही पड़ी हुई थी, इनको मैं डाल के रख लेती हूँ। सही करके रख लूं, आएगा
अच्छा जी, अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ से सफाई करती। अभी मैं बस जल्दी जल्दी करूंगी क्योंकि यूसुफ जो है ना वो आने वाले हैं, तो उससे पहले पहले मैं सफाई कर लूं। मैंने कहा जल्द और बेडशीट आज चेंज करने वाली वो भी कर लेती चेंज। ये देखिए बेडरूम का हालत देख ले, क्या कमाल की बेडरूम की हालत। अच्छा जी, झाड़ू मैंने लगा लिया है, उसके बाद करूंगी अभी बेडरूम की सफाई। बेडरूम असल में बेडशीट चेंज करने वाली है, तो आज मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। अभी मेरा सांस बहुत फूल गया, नीचे बैठ के जब लगाती हूँ ना तब आजकल सांस काफी फूल रहा है, तो ये मैं हाथ धो के आती हूँ अभी। अच्छा, अब मैं ना ये पानी पड़ा हुआ है ये भी निकाल के पी लेती हूँ क्योंकि मुझे प्यास काफी ज्यादा लग गई। पता नहीं क्यों मुझे प्यास काफी ज्यादा लगती है, अगर आप लोगों को लगती तो फौरन एक गिलास निकालें और पी लें। अच्छा ठीक, अम्मी एक मिनट ना मैं गल कर लूं। अच्छा, मेरी अम्मी की कॉल आ गई, अभी मैं अम्मी की कॉल ना थोड़ी देर के लिए बैठ के सुनती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगी। ये जो होता है ना टाइम अपनी माँ से बात करने का, ये बहुत ज़्यादा अहम होता है, अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा अहम होता है, इसीलिए मैं थोड़ी देर स्टॉप करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अभी मैंने ना ड्रेसिंग टेबल थोड़ा सा डस्टिंग कर ली है, और उसके बाद बेडशीट आज नहीं बिछाने वाली क्योंकि यूसुफ रस्ते में, तो अभी मैं कल बेडशीट इंशाल्लाह चेंज करूंगी। अभी बस मैं इसको ना सेट करके रख लेती हूँ।
अच्छा जी, कमरे की अच्छे से सफाई हो चुकी है और आपसे चाहती हूँ मैं इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआएं याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।